नमस्कार दोस्तों, ऑटो ट्यूबर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है टोयोटा की इनोवा। ये GX मॉडल है, 8 सीटर में आता है। बात करें इसके वॉक अराउंड की, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प का प्लेसमेंट दिया गया है। उसी के जस्ट नीचे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, और सबसे नीचे यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का प्लेसमेंट दिया गया है, और नीचे यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाएगी एयर इनटेक के लिए। सामने टोयोटा का लोगो दिया हुआ है, और कुछ इस तरीके का पूरा फ्रंट इसका दिखता है। नीचे आपको क्लैडिंग भी मिल जाएगी, जो कि वाइट कलर की फिनिश में दी हुई है, और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश दी है, और ये यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश दी है। ये इसकी कुछ फ्रंट की ग्रिल। बात करें अगर कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको ABS विद EBD ब्रेक असिस्ट, ESP हिल होल्ड कंट्रोल और TCS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट से ही सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इनोवा क्रिस्टा में मिल जाते हैं, और एशियन NCAP में इसे 4-स्टार रेटिंग मिली हुई है। फ्रंट में ये जो क्रोम सेटअप मिलेगा आपको, ये यहाँ से देखने को मिलेगा। इधर से पूरा साइड तक इसका क्रोम दिया हुआ है, और अच्छी बात यह है कि पूरा ये क्रोम सेटअप आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाता है। बात करें साइड के लुक के बारे में, साइड में आपको सबसे पहले यहाँ अलॉय व्हील्स दिखेंगे। बेस मॉडल से इसमें अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। अगर टायर साइज़ की बात करें तो 205/65R 16 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। साइड की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी है, और डुअल टोन में आपको ORVM मिलेगा। यहाँ ब्लैक कलर की फिनिश में दी हुई है। वाइट जो है डोर हैंडल्स मिल जाते हैं आपको बेस वेरिएंट से, ब्लैक आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस मॉडल की एक खास बात है। थर्ड पैसेंजर के लिए यहाँ पर आपको क्वार्टर ग्लास देखने को मिलता है, जो कि सफोकेशन वगैरह नहीं होने देगा कार के अंदर आपको। ये इसका कुछ साइड का लुक। बात करें अगर इसके पीछे के लुक के बारे में, तो यहाँ पर आपको सारी जो लाइटों का जो प्लेसमेंट दिया गया है इस मॉडल में, सारे हैलोजन है, कोई भी LED सेटअप नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो टर्न इंडिकेटर है, ब्रेक लाइट है, और पार्किंग लाइट और रिवर्स लाइट का प्लेसमेंट भी यहीं पे दिया हुआ है। ये इसका कुछ बैक का लुक, बीच में टोयोटा का लोगो दिया है, और बेस वेरिएंट से ही इसमें आपको रियर वाइपर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर दिए हैं। ये एसेसरीज का पार्ट है, आप लगवा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग दी हुई है। इसमें आपको हाई माउंटेड टेल लैम्प यहाँ पे देखने को मिलेगा, और शार्क फिन एंटीना भी इस वेरिएंट से ही आपको मिल जाता है। रूफ रेल्स वगैरह भी इस वेरिएंट से आपको मिल जाती हैं इसमें। और ये है इसके कुछ रियर का लुक। बात करें पीछे, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि अभी ये रियर बम्पर की वजह से दिख नहीं रहा है। और एसेसरीज में सारे मड फ्लैप वगैरह आपके आ जाते हैं। बात करें इसकी चाबी के बारे में, की के बारे में बात करें, तो इसमें आपको दो फ्लिप की देखने को मिलेंगी, और एक सिंपल की आपको देखने को मिल जाएगी। और की में लॉक अनलॉक का बटन बस दिया हुआ है, बाकी फॉलो मी हेडलैम्प वगैरह नहीं मिलते हैं इसमें आपको। ये कुछ ऐसा की का इसका लुक है। और बात करें इस कार में मिलने वाले आपको इंटीरियर की, तो बेस वेरिएंट से ही आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाएगा। बात करें ड्राइवर डोर की, तो यहाँ सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं ORVM और पावर विंडोज़ वगैरह के। वन टच एक बटन आपको ऑटो डाउन ऑटो अप मिलती है, और यहाँ क्रोम फिनिश दिया हुआ है। ये इसका कुछ डोर का लुक। नीचे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, बॉटल होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ कुछ कॉइन्स वगैरह आप रख सकते हैं। कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड का लुक आता है। बात करें सीट के बारे में, तो बेस वेरिएंट से इसमें आपको 8-way एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी। इसे आप हाइट एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, और मतलब अगर आपके पास बजट कम है तो आप इसका बेस वेरिएंट ही चूज़ करिए, क्योंकि इसमें जो बेसिक सारे फीचर्स हैं आपको इस बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। यहाँ की बात करें, तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं फॉग लैम्प वगैरह के, और हेडलाइट लेबलर भी दिया हुआ है, और यहाँ से फ्यूल लाइट वगैरह भी ओपन कर सकते हैं आप। चलिए बैठते हैं इस कार के अंदर। जैसे कि मैंने बताया, सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से, और स्टीयरिंग में यहाँ आपको बेस वेरिएंट से स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, और जिसमें आपको ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप डिस्प्ले वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें इसके MID की, तो बेसिक
एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको RPM और स्पीड मिल जाएगा और डोर वगैरह की कुछ इन्फॉर्मेशन, एवरेज वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सेंटर कंसोल कुछ ऐसा दिखता है इस कार का। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ आता है, और इसमें आपको 4 स्पीकर्स तक मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसमें ट्विटर वगैरह भी लगवा सकते हैं कंपनी से ही। ये एसेसरीज का पार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको 4 इंडिकेटर ऑन करने की स्विच दी हुई है, और ये एयरबैग की इंफॉर्मेशन दी है, पैसेंजर और ये एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, और ये वाला यहाँ TCS का कंट्रोल दिया हुआ है। इस कार में आपको 2 मोड्स भी मिल जाते हैं, पहला ये पावर मोड, दूसरा इको मोड। 2 मोड्स आपको इस पर्टिकुलर कार में मिलते हैं। और ये इसका कुछ ग्लव बॉक्स जो कि इतना मिलता है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूँ आपको, बेस वेरियंट से ही इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। और नीचे यहाँ पे आपका जो ग्लव बॉक्स दिया हुआ है सेकेंड वाला, ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा है, और इसे आप लॉक भी कर सकते हैं चाबी से। बात करें ORVM की, तो मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिलेंगे, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा आपको, जिसमें अंदर से यहाँ बहुत सही फिनिश दी गई है जो ग्लासेस को स्क्रैच वगैरह से बचाती है। ये लाइट्स दी हुई हैं आपको दोनों तरफ, और ये सनशीट दिए हैं। ड्राइवर साइड में तो मिरर नहीं है, लेकिन पैसेंजर साइड में मिरर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये इसका कुछ सेंटर कंसोल, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा जिसमें अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ जगह दी है आपको सामान रखने की, और USB होल्डर वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे AC के कंट्रोल्स मिलेंगे। और मतलब केवल अगर बात करें बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के बीच में, तो कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें किए गए हैं, जैसे इसका कुछ फिनिश आपको अलग मिलेगी टॉप वेरिएंट में, इसमें सिंपल फिनिश वगैरह मिल जाती है आपको, और 4 AC के जो वेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। पैसेंजर एयरबैग की इन्फॉर्मेशन वहाँ दी है। यहाँ पर आपको चार्जर लगा सकते हैं आप, कुछ कॉइन रखने की जगह दी हुई है। यहाँ पर बढ़ते हैं इसके रियर सीट में, फ्रंट सीट के बारे में आपने देख लिया। रियर सीट का स्पेस आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, जो इसके पीछे सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं, और इसे यहाँ पे आप एडजस्ट करके ये फोल्ड हो जाती हैं, जिसमें आप पीछे वाली रो में जाने के लिए हो जाते हैं सफिशिएंट। पहले बात कर लेते हैं इसके मिडिल रो के बारे में, तो इसे आप वैसे भी लगा दे इसे आप वैसे भी लगा सकते हैं हाथ से। और बात करें इसमें मिडिल रो में थाई सपोर्ट वगैरह की, तो अच्छी खासी थाई सपोर्ट है, और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं मिडिल रो को अपनी हाइट वगैरह के अनुसार। और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है देखने को, यहाँ पे आपको लोड लिप मिल जाती है, और जो AC वेंट्स हैं यहाँ पे आपको सेकंड रो के लिए अलग से देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इस कार में आपको ये मकड़ी भी मिल जाती है। यहाँ से आप इसकी ब्लोअर की जो स्पीड है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंप दिया हुआ है, और सेंटर में ही आर्मरेस्ट भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। ये है कुछ इसका स्पेस मिडिल सीट का, काफ़ी अच्छा, काफ़ी कम्फर्टेबल मिडिल सीट है इस कार की। और रियर सीट की बात करें तो बस इसे आप ट्विस्ट करिएगा, ये वाला पैनल, इसे आप ट्विस्ट करेंगे ये फोल्ड हो जाती है। यहाँ पर फोल्ड होने के बाद आप जो थर्ड सीट है उस पर चढ़ सकते हैं। और थर्ड सीट के बारे में बात करें तो ये मोस्टली कंफर्टेबल है बच्चों के लिए। जैसे मैं यहाँ अगर बैठता हूँ तो यहाँ पे मैं कंफर्टेबल उतना नहीं हूँ, मेरी थाइज़ वगैरह सब यहाँ पर फंस रही हैं, इसलिए मैं यहाँ उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना बच्चे यहाँ कंफर्टेबल हो सकते हैं। और यहाँ आप एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी जो वेंट्स हैं AC के वो भी मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें दी हैं तीनों पैसेंजर के लिए, पीछे हेडरेस्ट दिया है, और सामने भी तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको बेस वेरियंट से मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको कुछ सामान रखने के लिए जगह दी हुई है। ओवरऑल सीट बेल्ट वगैरह आपको तीनों सीट के लिए मिलेंगी, और यहाँ पे एक क्वार्टर ग्लास दिया है जो अंदर की विजिबिलिटी को बढ़ाता है थर्ड रो के लिए। आफ्टरऑल मैं बता दूँ कि थर्ड रो जो है बच्चों के लिए नहीं है, मतलब छोटे बच्चों के लिए ही है, वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे बड़े लोग अगर बैठेंगे। बढ़ते हैं इसकी बूट स्पेस की तरफ। बूट की बात करें तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ही जो इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनर है वो मिलेगा, और यहाँ से आप इसे पकड़ के बंद कर सकते हैं। बूट कितना दिया है आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा इसका, यहाँ पे आपको पूरा बूट मिलेगा सामान रखने के लिए, और लोडिंग लिप थोड़ा सा हाई मिलेगी इसमें आपको। और बात करें बूट में ही, आपको यहाँ पे जो बूट लैंप है वो मिलेगा बेस वेरिएंट से ही। और भी सारी चीज़ें हैं इसमें, आप एसेसरीज़ वगैरह लगवा सकते हैं,
इस कार में। बात करें इसमें मिलने वाले इंजन ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें आपको 2.6 लीटर का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वॉल डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों मिल जाएगा। और ये एक रियर व्हील ड्राइव कार है, साथ ही साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉप वेरिएंट या इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी सपोर्ट मिल जाएगा। इंजन की बात करें तो इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 164 bhp की पावर 5200 rpm पे और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4000 rpm पे। बात करें MID के बारे में तो कुछ इसका की ऐसे है, और की इल्यूमिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा जो रात को आपको हेल्प करेगा। और ये है इसका कुछ MID, जैसे आप इसे स्टार्ट करेंगे तो इनोवा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल ये इको मोड में है, इको मोड और पावर मोड, यहाँ दो मोड आपको मिलेंगे। ये पावर मोड हो गया, और यहाँ से अगर आप स्विच करेंगे ये इको मोड हो गया। ये है इसका कुछ इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और ये वॉल्यूम वगैरह इसके कंट्रोल, और ये स्क्रॉल करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक वॉच मिल जाएगी जो टाइम वगैरह के लिए दी हुई है, और यही सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर इनोवा क्रिस्टा में मिलेगी। और बात करें इनोवा क्रिस्टा के बारे में, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग 16,90,000 रुपये है। और अगर आपको ख़रीदना है इनोवा क्रिस्टा का बेस वेरिएंट जो कि 2.7 लीटर इंजन के साथ आता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो लगभग आपको 16,90,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ऑन रोड एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए अपने नियरेस्ट शोरूम में विजिट करिएगा। कार कैसी लगी, वॉक अराउंड वीडियो कैसा लगा, आपको नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कार से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप और किस कार की वीडियो देखना चाहते हैं। सामने फॉर्च्यूनर लेजेंडर खड़ी हुई है, अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।